कई बार लोग बताते हैं कि 30 किलो 40 किलो एक पौधा में प्रोडक्शन आता है, तो लोग हमको पागल कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप ये बताइए कि कब से आप खेती कर रहे हैं? 2-3 साल हो रहा है। 2-3 साल से, इससे पहले क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और आज हम लोग टमाटर के खेत में फिर से हैं, और फिर से होने का कारण ये है कि जो आज नया चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप पूरा का पूरा जो टमाटर का पौधा लगा हुआ था वो वजन से ये जो स्टेकिंग है वायर है ये उधर गिरा हुआ है, और इसका लगभग जो वजन होगा एक खूटे से एक खूटे में मिनिमम 50 किलो का वजन अभी अगर ऐसे उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इतनी रस्सी बांधी गई है क्योंकि इसमें फल बहुत अच्छे से हो गया है, लोड हो गया इस पर, और इसको जो संभालने के लिए रस्सी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे में रस्सी से भरना पड़ा है। तो कुछ कुछ रीज़न है क्यों इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है, कौन सी वैरायटी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तो यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदे की बातें सामने आएंगी। जो हम लोग नया चीज़ इसमें देख रहे हैं वो मैं वीडियो में कवर करने वाला हूँ, आप लोग बने रहिएगा पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, और कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। कुछ सीड्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन आपको अगर कुछ चाहिए होता है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों फार्मर जुड़ेंगे हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे साथ में राजू मंडल जी हैं। राजू मंडल जी स्वागत है आपका। नमस्ते भैया। आप ये बताइए कि कब से आप खेती कर रहे हैं? 2-3 साल हो रहा है। 2-3 साल से, इससे पहले क्या करते थे? गाड़ी चलाते थे। मैं जैसा कि आप लोगों को मेरे व्यूवर्स को पता है कि बहुत से युवा हैं जो खेती में आए हैं और बहुत अच्छा सक्सेस रेट भी मिला उनको, आपको लगता है गाड़ी चलाने से ज़्यादा अच्छा बिजनेस ये है? ये ठीक है। ये कैसे ठीक है, मतलब खेती उसमें तो आपको, इसमें तो लॉस का चक्कर है, उसमें तो लॉस नहीं है? उसमें 400-500 किलोमीटर चलाना पड़ता है जान का कोई। हाँ, रोड घाट तो भाई लोग भी करते थे। हाँ अच्छा, मतलब पुश्तैनी खेती चलता था? नहीं, भाई लोग करते थे, भैया लोग। अब तकनीकी खेती कर रहे हैं जो हाईटेक खेती है। तो सबसे पहला खेती आप जो शुरू किए, आपका करियर शुरू हुआ खेती में, कौन सा फसल लगाया आप? शुरू में वही खीरा लगाते थे। खीरा, और ठीक मिला उसमें प्रॉफिट मिला? हाँ। क्योंकि 3 साल अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे लगता है लॉकडाउन का समय रहा होगा। लॉकडाउन में तो नहीं बेच पाए बहुत, मतलब उस समय से एक चैलेंज आपके सामने था कि अब क्या करेंगे कैसे करेंगे। अभी आप लगाए हैं टमाटर जी, दोनों का अनुभव बताइएगा कि खीरा और टमाटर में ज्यादा मजा किसमें है? टमाटर में ठीक है, पैसा भी ज्यादा है। पैसा इसमें, मेहनत कम है। इसमें मेहनत कम है जी। रीजन क्या है कि वो एक बार इसको लगा दिए तो 4-6 महीना अब अच्छा, अब खीरा बहुत जल्दी खत्म, मतलब उसको 2 महीने में खत्म हो जाता है, फिर खेत साफ करो फिर लगाओ। एक चीज मैं खेत में देख रहा हूँ कि पत्ते कम और टमाटर ज्यादा दिख रहे हैं तो तसल्ली है आपको? ये वाला वैरायटी कौन सा है? ये साहू, सजेंटा का साहू है। तो साहू का मैंने और भी वीडियो बनाया है, उसमें इतना फ्रूटिंग नहीं आया है, तो कुछ आप जादू किए हैं इसमें? कुछ ऐसा खाद पानी, खाद खुद डाला हूँ इसमें, खाद वाद डाले हैं? कौन सा ऐसा खाद आता है कि इतना ज्यादा फ्रूटिंग है? जैसे हम लोग किसी दाल में अगर ऐसे देखें तो करीब करीब 10 तोड़ाई के बाद ही हाल है, इससे ज्यादा भी था इसमें? इसमें तो एकदम मतलब ऐसा, मतलब आप ऐसा, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट आपका बहुत सही नहीं हुआ है, इससे और अच्छा हो सकता था क्या? ये ऊपर तक आप ले जाते इसको? ये अपना खूटा के चलते पेड़ ऐसे हो गया है, खूटा साइज भी ठीक है। अगर अगर खूटे आप लोग और ऊंचा रखते या डबल खूटा करते, डबल खूटा करना इसको जरूरी था, मतलब अगर 2 खूटे रहते तो ये पौधा अभी और ऊपर और अच्छा रहता। इसमें पानी चलाने नहीं बन रहा है, तो ड्रिप होगा इसमें है तो पानी चलाइएगा तो नरम हो जाता है, खूटा गिर जाता है। अच्छा, सिंगल खूटा? हाँ, बहुत कम ही पानी, मतलब सिंगल खूटा नहीं करना है इसमें? नहीं, डबल खूटा। हम लोग देखे उधर में, यहाँ पे पूरा आपका गिरा हुआ है, हम लोग जहाँ गिरा है वहाँ चलेंगे। मुझे एक बार खेत तैयारी से लेके लास्ट तक आपने अगर कुछ खाद इस्तेमाल किया होगा तो उसकी एक शॉर्ट जानकारी दे दीजिए, मेरे व्यूवर्स को पता चल जाए, जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल जाए जी। सबसे पहले आपने खाद के लिए खेत को रेडी करते हैं, वहाँ से बताइएगा। खेत को तो मई में आपको प्लाउ से जोत के रखा था, हाँ, 2 चास जी, उसके बाद रोटर वेटर मारे, उसके बाद फिर मेड़ तैयार किए, मेड़ तैयार करने के बाद उसमें DAP डाले, राखड़ डाले जी, गोबर डाले। राखड़ होता क्या है ये ना, बहुत से जैसे छत्तीसगढ़ में तो सबको पता है कि खाद मिलता है जी। ये होता क्या है एक्चुअल में राखड़, जो खाद का ही कोई डस्ट है या कुछ और है? पता नहीं, ऐसा बोरी में ही आता है? बोरी में आता है। अच्छा, गोबर कितना लगता होगा प्रति एकड़? मैं
छः एकड़ में 12 गाड़ी, मतलब एक एकड़ में लगभग दो गाड़ी। इसके बाद में आप एक पौधा लगाए जी, तो पौधा खुद तैयार किए या? नहीं, रायपुर से लाए थे। रायपुर से ग्राफ्टेड है जी, पूरा ग्राफ्टेड है। ये जंगली भाटे में? हाँ, जंगली भाटे में टमाटर है। टमाटर है तो इसी के कारण इतना ज़्यादा फ्रूटिंग है, या साहो में होता ऐसे भी नॉर्मल? नहीं, साहो में होता है, होता ही है। खाद जैसे इसमें मेंटेन करके रखे, दवाई और खाद। अच्छा, अपने ये 2 लाख नहीं लगाया था इसमें। अच्छा, इसमें और नीचे में हाँ वो हवा और पानी के चलते नहीं लग पाया। क्या नहीं लग पाया? धागा नहीं बंद? नहीं, फल नहीं लग पाया। अच्छा, फल नहीं लगा, ज्यादा घना हो गया इस वजह से। ज्यादा घना। ओके, तो ग्राफ्टेड में और नॉर्मल में फर्क है, मतलब? बहुत फर्क है, नॉर्मल तो यहाँ हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा है। मर जाएगा। हाँ, बिल्ड का प्रॉब्लम, बिल्ड का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग अगर खेत को हम लोग छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना, आपका अभी मैं देखा लोडिंग हो रहा था, तो कितना तोड़ाई अभी तक कर चुके हैं? 10वां या 11वां तोड़ाई। और कब लगाए थे? ये 25 अगस्त को लगा था। और अभी है, एक मानते हैं दिसंबर शुरू है जी, है ना? आपने लास्ट अगस्त में लगाया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, करीब 90 दिन के में आपने 10 तोड़ाई कर लिया। कितनी तोड़ाई होती होगी एक बार में? ये अभी चलेगा एक बार में, कितना ट्रे तोड़ाई होता है जैसे? लगभग कभी तो 300 से 320 के बीच में। अभी बढ़ रहा है, आज तो उम्मीद है कि बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ रहा है। मतलब अभी रेट का क्या अंदाजा है आपको, क्या लगता है रेट आज का? तो 280 का दिया, 90 का दिया हूँ। 290 का, 290 रुपए पर कैरेट। हाँ, कितना लगभग जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि ये 300 के एवरेज में 2.5 एकड़ में कितना में लगा है? 3 एकड़ में। 3 एकड़ में 300 ट्रे निकलता है एक बार में, और कितने दिन में निकल रहा है? हर दो दिन बाद 300 ट्रे आपके 3 एकड़ में निकल रहा है। 12,000 पौधा लगा हुआ है, और लगभग जो वजन है उसका है 27 से 28 किलो। हाँ, 27-28। 27-28 किलो। जो व्यूवर्स नए हैं, फार्मर जुड़ रहे हैं, वो कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो उनको पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन होता है ग्राफ्टेड में। कई बार लोग बताते हैं कि 30 किलो 40 किलो एक पौधा में प्रोडक्शन आता है, तो लोग हमको पागल कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। 30 किलो ऊपर तो इसमें आया था, फल लगा हुआ था शुरू में। मतलब एक पौधा में इतना प्रोडक्शन है, पूरा एकदम भरा हुआ था। हो गया है तो बहुत हल्का। हाँ, बहुत 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 मतलब बहुत ये बहुत ये मतलब वो दिख रहा है। ये पूरा मतलब मेरे को लग रहा था पूरा गिर ना जाए। वो गिर भी गया है। आगे हम लोग आगे चलेंगे इसके बाद जो गिरा है वहाँ। और मैं जो भी व्यूवर्स है ना, मैं उनको कई बार ऐसा बोला कि 20 किलो से ज्यादा प्रोडक्शन आता है, तो लोग नॉर्मली जो बैगन होता है, टमाटर होता है, उसमें 7 किलो 8 किलो तक सुनते थे। अब 20 किलो सुनते हैं तो सब कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। ऊपर आप खुद देख रहे हैं। हाँ, इसको अचानक से ऐसे डाउन कर देने का कारण जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पूरा, हालांकि इसमें वजन बहुत है, इसमें लोड के चक्कर में टूट के गिर गया है इसको। अब इसको दोबारा फिर इतना उठा है, इससे ज्यादा उठेगा ही नहीं। नहीं उठेगा, दोबारा यहाँ जो मैनेजमेंट का मिस्टेक है वो दिख रहा है कि सिंगल लाइन नहीं लेना था, डबल खूटा काटना था दोनों साइड में, है ना। तो अभी पानी भी कम चला रहे हैं, उसका कारण वही है कि ये खुटा का चलते इसका जो जड़ है वो नरम हो जाएगा। ये पूरा खुटा गिर जाएगा। तो हम लोग जैसे अगर देखें तो मुझे लगता है कि 50 किलो से ऊपर इसमें वजन होगा। हाँ, है ना, ज्यादा है। बहुत देख रहे हैं। बहुत सुतली कहाँ टिक पाएगा ये? हाँ, ये जो धागा है ये नहीं टिक रहा है, तो अभी आपने नायलॉन का धागा लगाया, टूट जाता फिर। इसमें 5वां बार बांधे है ना? हाँ, वो दिख रहा है कि कई धागा से ये 3, 4, 5। हम लोग अभी कहीं पे अच्छा फल देखना हो तो वो कहाँ देख सकते हैं? कहीं भी देख ले, या कोई ऐसा दिख रहा है अंगूर जैसा फला हुआ है वो तो दिख रहा है। तो आप अगर खीरा और टमाटर में फर्क करना हो तो कौन सा फसल अच्छा है? खीरा टमाटर में आराम है, इसमें मेहनत कम है। अच्छा, आज नहीं भी तोड़े तो चल जाएगा, खीरा को नहीं रोक सकते, उसको तोड़ना है, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। हाँ, वो फिर कोई नहीं लेगा जी। ये तो खीरा में पैसा ठीक है, खाद के बारे में जानकारी दे देंगे थोड़ी? दे देते हैं कि क्या क्या आप शुरू से लेके, सबसे पहले आपने ग्राफ्टेड पौधा लगाया जी, और इसके बाद का कड़ी आप शुरू करिए कि कौन सा खाद आप यूज किए इसमें? 12-61 चलाए। लगने के बाद और फल के लिए कोई दवाई चलाते हैं शायद? फल बढ़ने के लिए 0-52-34 चालू किए, बड़ा होने के लिए ड्रिप में चलता है। ड्रिप में 0-52-12-61 पौधा बढ़ने के लिए वो गाछी
आपको फेंकेगा। अच्छा, ब्रांचेस के लिए। इसके बाद में आपने 052 34 चलाए, उससे होता है कि फल आता है, बड़ा होगा, फल फूल, फल फूल लगेगा, बड़ा होगा। ओके, और उसके बाद आपको कोई और दवाई चलाना पड़ता है? वो खाद के लिए तो बस वही सब चलता है, 1448 चला है। अच्छा, ये सब रेडीमेड आपको बाजार में मिल रहा है? ये किसी ब्रांड का लेना पड़ेगा या फिर वो मिलता है ब्रांड का ही है? ब्रांड का ही ठीक मिलता है। अच्छा, तो मतलब इसमें ज्यादा मानसिक तनाव नहीं है कि आपको इतना मैनेजमेंट करना है, ये खाद डालना है? नहीं, सब रेडी मिल जाता है, जैसे नहीं, हफ्ता में एक बार डालना है। और ये ड्रिप में ही आ जाता है? ड्रिप में, हफ्ता में एक बार। और खीरा में तो आपको डेली चलाना पड़ता है, सुबह शाम भी चलाना पड़ता है, है ना, तो इसमें हफ्ता में एक बार। अच्छा, हम लोगों ने एक जगह देखा कि पूरा झाड़ पूरा वजन से गिर चुका था और वैसी फ्रूटिंग हमको यहाँ दिख रही है, जबकि यहाँ पे तोड़ाई हो चुका है। 1 2 3 ये बहुत सारे लगे हैं कि अगर गिनती करें कि इस एक देखिए, हाँ ये दिख रहा है, गुच्छा में देखिए, एक फीट में करीब करीब 3 4 5 6 7 8 9 11वां तोड़ाई भी हो गया है ना इसका, 10 के बाद 11वां हो गया, 11वां आज टूटा है, आज टूटा है। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि सब पूरे फल एक साथ तैयार होगा, पूरा फल एक साथ तैयार होगा। एक छोटी सी डंडी में 1 2 3 4 5 टमाटर है, लगभग 700 ग्राम का टमाटर एक एक डंडी में है, तो ये फायदा होता है ग्राफ्टेड और अच्छी वैरायटी का। और पेड़ भी अभी भी 11वां टोड़ाई में भी मतलब पत्ता भी हरा है। अभी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि इसमें परेशानी क्या क्या आती है? इसमें बस थ्रिप्स से ही लगता है शुरू में। तो कैसे पहचान होगा थ्रिप्स का, कैसे पहचान होगा? मोबाइल नीचे रख के एक बार जैसे ऐसे मोबाइल लेंगे ऐसे करके माथा में ऐसे, हाँ बारीक सा दिखेगा तो इस स्क्रीन में दिखेगा, दिखेगा सबसे सरल तरीका ये, हाथ में नहीं दिखेगा। अच्छा, हाथ में नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये चमक रहा है इसलिए इसमें दिखेगा। तो इसका क्या इलाज क्या है अगर ऐसा कोई दिखता नहीं? या तो सबसे पहले समस्या क्या है, मतलब वो कैसे पता चलेगा कि इसमें थ्रिप्स है कि नहीं? पत्ता ये जैसे ना ऐसे होना रहना चाहिए, ऐसे पत्ता जो ऐसे है ऐसे रहना चाहिए, मुड़ेगा तो मतलब कि थ्रिप्स लगा, थ्रिप्स लगा। अच्छा, ये सिकुड़ जाएगा शुरू में, ये तो पुराना हो गया है, पुराना हो गया तो भी होगा, नए में ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, समझिएगा इसमें थ्रिप्स लगा है। तो फिर इसको ऐसे मोबाइल पे चेक करेंगे, चेक करेंगे तो क्या दवाई स्प्रे कर देंगे इसमें? तिरसर मारे हैं। अच्छा, इसमें इससे ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कोई परेशानी इसमें बहुत विशेष? विशेष डाउनी के लिए, डाउनी के लिए वही अक्रवट मारे हैं। अच्छा, डाउनी मतलब जो पत्ते नीचे की तरफ झुक जाता है, पक जाता है, पीला हो जाएगा ऐसे, ये तो ठंडे के चलते अभी हो रहा है। अच्छा, पीला पीला हो जाएगा। अभी इसमें कोई परेशानी है इस खेत में? नहीं, अब कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अब ठीक है, ये पौधा बिल्कुल स्वस्थ। अब बस खाद चलाइए, ये जो छोटा फल है ये बढ़ जाएगा आपका। और अभी कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ फिर से डाल भी निकल रहा है, फिर से खाद चलाना चालू कर दिए हैं। अच्छा, फिर डाल भी आना चालू होगा। यहाँ पे फूल भी है, छोटे फल भी है, फूल भी लग रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये फ्लावरिंग स्टेज भी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ये बहुत सारा फूल, फूल सब, और ये छोटे छोटे फल भी, अंगूर जैसे बिल्कुल जी। तो ये सब अभी तैयार हो जाएगा कुछ दिन? पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा मार्केट का इशू नहीं रहता कि कहाँ इतना माल कहाँ बिकेगा? नहीं, ग्राहक कहाँ कहाँ भेजते हैं आप लोग? सब अंबिकापुर का ही व्यापारी लेते हैं। अच्छा, लोकल यहाँ से, यहीं से डायरेक्ट लोड होके बाहर चल जाते हैं, बाहर मतलब दूसरे स्टेट में? दूसरे स्टेट में। ओके, तो मतलब अगर मेरे व्यूवर्स हो सकता है दूसरे स्टेट के हों, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके यहाँ का टमाटर वो लोग खा रहे होंगे। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमने कवर किया टमाटर के लिए। नॉर्मल और ग्राफ्टेड में आप का सजेशन क्या है? ग्राफ्टेड ही लगाना चाहिए, तो महंगा नहीं है? 10 रुपए का एक पौधा, 11 रुपए लिया, 11 रुपए का एक पौधा पहुंचा के दिया था। अच्छा, तो फिर भी उसके बाद भी बचत है इसमें? हाँ ठीक। तो ड्रिप मल्चिंग जरूरी है कि नहीं? प्लास्टिक अपने जरूरी है, जरूरी है, ड्रिप भी, ड्रिप बिना तो काम ही नहीं होगा। तो ये चीजें खर्चा बचाती है या आपका लंबा, अगर लंबे समय तक देखें खर्चा लंबा चलता है, मतलब ओवरऑल फायदा है इसमें? दवाई और खातु मेंटेन करके रखेंगे तो करीब 5-6 महीना चलेगा टमाटर। जी, तो ये भी एक अच्छी बात है कि अगर टमाटर को 5-6 महीना टिका दिए और ऐसा फ्रूटिंग रहे तो फिर बहुत अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मन किया आज नहीं तोड़ना है, छोड़ दिए 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपने को हाँ, ये सबसे अच्छा मेरे को लगा टमाटर में, टमाटर में। बाकी किसी भी हाइल्ड में जैसे खीरा वीरा को नहीं रख सकते, वो तो साइज बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, वो रात भर में बढ़ जाता है। ओके, इसको 2-3 दिन रखा जा सकता है? रख सकते हैं, ये अभी 2 दिन भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। टूट गया, बहुत बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे जानकारी लिया हमने। ये हफ्ता भर भी रख दीजिएगा तो कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा पक जाएगा, नरम होगा वो, क्या हाँ, और कोई दिक्कत नहीं जी।
इसके बाद आप कौन सा फसल लगाएंगे? फिर से टमाटर लगाएंगे? इसके बाद अभी खीरा लगेगा। खीरा लगेगा उसका एक कट्टा, इसमें तो अब नहीं लगेगा, खीरा नहीं लगेगा। बेड से बेड इसकी दूरी कितनी होगी, जो एक पौधा से पौधा इधर से इधर दूरी जो है? 4.5 फीट। और पौधा से पौधा? 2 फीट। 2 फीट में ग्राफ्टेड है, इसलिए अगर नॉर्मल होता तो और पास में लगा। एक एक फीट में लगता। तो ऑलमोस्ट आपसे जानकारी हमने पूरा ले लिया राजू मंडल जी, और मैं चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा पैसा कमाएं, बहुत अच्छा खेती को आगे ले जाएं। युवा किसान हैं, पहले कुछ और काम करते थे, गाड़ी चलाते थे इन्होंने बताया, और अब खेती पे जुड़े हैं। और भैया अच्छा, पहले से हम लोग खेती भी कर रहे हैं। भैया पहले से आप खेती कर रहे थे? बचपन से ही है। भैया बोला कि अरे खेती करो, गाड़ी छोड़ो। बिल्कुल। तो नहीं, कोशिश करिए कि और युवा सामने आए, इससे देखिए आप पैसा रख के कहीं जाएंगे नहीं, इससे खर्च करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से सुधर जाएगी अगर लोग खेती में आए तो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।